बैतूल जिले के सहरा गांव में 20 अक्टूबर 2005 को अपनी मौत की भविष्यवाणी करने वाले कुंजीलाल का करीब 14 साल बाद शनिवार को निधन हो गया। बता दें कि ये वही कुंजीलाल है जिनके ऊपर फिल्म पीपली लाइफ बनाई गई थी। मध्य प्रदेश के बैतूल में 14 साल 6 दिन पहले अपनी ही मौत की भविष्यवाणी कर देश दुनिया में मशहूर हुए कुंजीलाल की मौत हो गई है। आज से करीब 14 साल पहले कुंजीलाल ने अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी, जिससे वह पूरे देश में चर्चा का विषय बन गए थे। शायद ही ऐसा कोई चैनल होगा जो कुंजीलाल को कवर करने बैतूल नहीं पहुंचा हो। कई चैनलों ने तो कुंजीलाल को 12-12 घंटों तक लाइव दिखाया, लेकिन उस दिन कुंजीलाल की मौत नहीं हुई। कुंजीलाल के दामाद बलराम ने बताया कि उनके ससुर भविष्यवाणी करते थे। 2005 में उन्होंने अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। उनका मानना है कि उन्होंने करवा चौथ के दिन मरने की भविष्यवाणी की थी और इस दिन उनकी सास ने करवा चौथ का व्रत रखा था, जिससे उनकी मौत नहीं हुई। बड़े पिताजी थे, वो भविष्यवाणी देखते थे, चौथर थे, वो भविष्य बताते थे लोगों का। बहुत बहुत दूर से आते, महाराष्ट्र से आते थे, भोपाल से आते थे, नागपुर से, सभी दूर से आते थे। बहुत अच्छा था उनका, इन्होंने भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी किए थे उनका, मगर हमारी बड़ी माँ ने करवा चौथ का व्रत रखने से वो बच गए, तो अचानक कल उनका देहांत हो गया। कब की थी ये? 2005 में 20 तारीख था, करवा चौथ का दिन था, माँ ने व्रत रखा था, इस वजह से वो बच गए। हाँ, बहुत मीडिया पूरी आई थी, जी चैनल, सहारा, बहुत से मीडिया वाले आए थे, उन्हें 12-12 घंटा दिखाया था, मगर वो करवा चौथ की माँ की वजह से उनका बच जाना। ये कुंजीलाल मालवीय इनका नाम था और ये जो अपने एक पूर्वज की विद्या बताए उन्होंने, चौसर से कई लोगों की समस्या निवारण, जैसे शादी ब्याह, कुआ है, और भी कई समस्या है, उनका निवारण करते थे और इनके पास बहुत दूर दूर से लोग आते जाते थे। और ये जब से पॉपुलर हुए कि 2005 में इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मेरी मौत निश्चित है उस दिन, पर हुआ ये कि उस दिन करवा चौथ था और इनकी वाइफ ने पूरा अपने तन मन धन से जिस रीति रिवाज से मनाते करवा चौथ मनाए, इसलिए उनकी मृत्यु टली, ऐसा उन्हें बताया। और बाद में भी मीडिया वाले आए, बहुत कवरेज हुआ, देश विदेश तक नाम आए और बहुत दूर से हमारे यहाँ के सांसद, विधायक और बहुत से लोग, राजनीतिक लोग भी आते थे, गाँव के लोग, विदेशों के लोग भी 1-2-4 बार आए इनका कवरेज देख के और इनसे जो भी जानकारी हासिल की, पर सही बताते थे। मैंने भी देखा 1-2 बार अपने आप में, तो सही सही कुछ बताते थे। रात को इनकी धनतेरस थी तो अचानक मृत्यु हो गई, या बुजुर्ग भी थे, करीब 90 वर्ष के हो चुके थे, इनकी मृत्यु हो गई रात को। 2005 में जो है इन्होंने भविष्यवाणी की थी। वैसे भी जो हमारी जो बड़ी सास थी, उन्होंने व्रत रखा था, जिनके कारण जो है वो बच गए और कम से कम 15-17 साल जीवित रहे अभी तक। और कल 25-10-2019 को रात को 11 बजे उनका देहांत हो गया। कुंजीलाल की इसी कहानी पर बाद में उनके गांव सेहरा के करीबी गांव पिपला के नाम पर पिपली लाइव फिल्म भी बनाई गई थी, जिसमें कर्ज से परेशान किसान नत्था ने अपनी ही मौत की भविष्यवाणी की थी। इस फिल्म के सामने आने के बाद कुंजीलाल ने फिल्म की डायरेक्टर और निर्माता आमिर खान और अनुषा रिजवी को नोटिस भेजकर उनकी कहानी पर फिल्म बनाने पर आपत्ति ली थी। हालांकि इस नोटिस पर ज़्यादा कुछ नहीं हो सका था। JSR टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट।